कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत गुजर की बड़ी बंद पड़ी खदान में एक युवक नहाने के क्रम में डूब गया, जिसका पहचान रविंद्र कुमार मेहता उर्फ कारूपिता बाबूलाल मेहता कालीमंडा ढाबरोब निवासी के रूप में हुई। खबर लिखे जाने तक तो व्यक्ति को खदान से बाहर नहीं निकाला जा सका था। हालांकि डोमचांच थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने अपने दलबल से लेकर शव निकालने की कोशिश लगातार कर रहे। वहीं परिजनों के अनुसार रविंद्र के साथ बुधवार दोपहर को पड़ोस के दो साथियों के साथ बंद पड़े खदान के समीप एक रूम में साथ में खाना खाया, उसके बाद खदान नहाने चला गया। जब देखा कि नहाने के बाद युवक डूब गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि खदान काफी दिनों से बंद पड़ा है। उक्त पत्थर खदान डोमचांच कालीमंडा निवासी फुलवरिया बीघा निवासी के जान से खींचता, लेकिन अब अवधि समाप्त हो चुका है। अगर अवधि समाप्त होने के बाद खदान को भर दिया जाता तो शायद रविंद्र की जिंदगी बच जाती। क्या जानकारी मिला था लोगों से, कैसे आप लोगों को क्या? हम वहाँ थे, बैठे हुए हैं घर में, बोले भैया कि मैं भैया को खदान में गिर गया, लो फोन यहाँ से गया। कैसे गिरा के कुछ पता नहीं, नहाने के दौरान हुई। हाँ, वो दो व्यक्ति और जो थे उन लोग भी नहाने गए थे या नहीं? बाहर नहाने नहीं, नहीं नहाने गए थे। मैंने कैसे गिरा सो मैंने आपको क्या पता है इसके बारे में? हमको वही तीनों दो लड़का पर शक है। अच्छा, वो जो जो दो लोग थे जिनके साथ खाना पीना हुआ, हाँ। क्या लगता है उनके द्वारा कोई तरह का बात किसी पर शक है क्या? तो वही सब ऊपर में तो बोला कि नहा देखियो नहा देखियो, वही सब बात हुआ। अच्छा, क्या लगता है आपको भाई, क्या लगता है आपको, क्या वही घटना का अंजाम दिए हैं? हाँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।